आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते हैं खबरों की ओर। देश में कोरोना संक्रमण में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 1.5 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। रविवार को भी कई मामले सामने आए हैं, जो शनिवार की तुलना में 13% अधिक है। 1,59,377 नए मामले सामने आए हैं। वहीं यूपी में कोरोना बेतहाशा तरीके से बढ़ रहा है। राजधानी लखनऊ में सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या शनिवार को 2,500 के पार थी। वहीं अब 24 घंटे में 876 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इनमें अस्पतालों में काम करने वाले 22 स्वास्थ्य कर्मी भी हैं। इससे पहले शुक्रवार को 577 कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इस तरह महज 3 दिनों में 1,500 से अधिक नए संक्रमित मिलने से सक्रिय मरीजों की तादाद 2,573 हो गई है। शहर में सबसे ज्यादा 166 लोग चिन्हित इलाके किए गए हैं और चिन्हित इलाके में ये सक्रिय मामले 166 मिले हैं। वहीं अलीगंज में 120 लोग संक्रमित हुए हैं और इंदिरानगर में 77 संक्रमित पाए गए हैं। आलमबाग में 74 और सिटी स्टेशन और चौक डालीगंज के आसपास के इलाकों में 71 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और लखनऊ में कोरोना के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, देश की बात करें तो देश में भी 1,00,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, क्या कहेंगे इस पे? जी शिखा, अब तक देश भर में चौथे दिन 1,00,000 से ऊपर मामले आए हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो बीते चौबीस घंटे में 1,53,000 मामले आए हैं और जो एपिसेंटर है वो फिर से महाराष्ट्र बनते हुए दिख रहा है। महाराष्ट्र में छठे दिन लगातार 40,000 मामले आए हैं। आपको बता दें कि कल 24 घंटे में 41,000 मामले आए हैं। अगर बात दिल्ली की जाए तो 20,000 मामले आए हैं। वहीं बंगाल की बात की जाए तो 18,000 मामले आए हैं और जो पॉजिटिविटी रेट है वो 9 से बढ़कर 10.21 पहुंच गया है। और देश भर में कल 327 लोगों ने दम तोड़ दिया कोरोना के चलते। और आपको बता दें कि अगर दुनिया भर की बात की जाए तो 24 घंटे के अंदर 21,00,000 मामले आए हैं। और अगर वहीं यूपी की बात की जाए तो 18,551 मामले आए हैं। और एक बार आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो दिल्ली से सटे इलाके हैं, जैसे गौतम बुद्ध नगर में 1,141 मामले आए हैं और वहीं गाजियाबाद में 681 मामले आए हैं। और मेरठ की बात की जाए तो 636 मामले आए हैं। अगर लखनऊ की बात की जाए तो 876 मामले आए हैं। आपको बता दें कि बीते 9 महीनों के बाद इतने आंकड़े आना फिर से शुरू हो गए हैं। वहीं बनारस की बात की जाए तो 337 मामले आए हैं और वहीं कल बनारस में ओमिक्रोन का ब्लास्ट हो गया है। ओमिक्रोन वेरिएंट के एक साथ 96 जीनोम टेस्ट किए गए जिसमें से 73 मामले ओमिक्रोन के आए हैं। और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 73 जिले इस समय कोरोना की चपेट में है। कौशाम्बी और जलान की बात करें तो यहाँ अभी 0 मामले हैं। 75 में से 73 राज्यों में कोरोना के मामले आ चुके हैं। वहीं भाजपा के जो तेज तर्रार नेता वरुण गांधी हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ट्विटर के माध्यम से उन्होंने जानकारी दी। जी विभांशु, जिस तरह से आपने बताया कि कोरोना का विस्फोट लगातार देखने को मिल रहा है, साथ ही ओमिक्रोन का विस्फोट भी हुआ है वाराणसी में, तो जितने भी लोगों की जो टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है या भी जांच चल रही है, तो क्या ये लोग विदेश से यात्रा करके आए हैं बनारस? जी आपको बता दें कि बनारस में कई महोत्सव का आयोजन किया गया था जिस दौरान तमाम विदेशी मेहमान और साथ ही साथ देश भर से कलाकार आए हुए थे, जिसकी वजह से विशेषज्ञों के द्वारा कहा जा रहा है कि इन जो भीड़ जो जुटाई गई है उन सभी वजहों से वहां पे ओमिक्रोन के इतने मामले आए हैं। ओमिक्रोन का मामला देश के बाहर ज्यादा है, बल्कि पूरे प्रदेश में बात करें तो बनारस में अब तक 103 ओमिक्रोन के मामले मिल चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये आयोजन जो किया गया इसके वजह से ही आए हैं और विशेषज्ञ भी और इस पे कह रहे हैं कि इसी वजह से वहां ओमिक्रोन के मामले इतने ज्यादा आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कोरोना के साथ साथ जो नए वेरिएंट ओमिक्रोन है
इससे निजात दिलाने में जो उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग है कितना कारगर साबित हो रहा है, कितनी ग्राउंड लेवल पे तैयारियां कर ली गई हैं, वहीं वैक्सीनेशन तो की रफ्तार तेजी से तेज कर दी गई है, बच्चों की वैक्सीन या बुजुर्गों की वैक्सीन बेरफ्तार आ चुकी है। और आपको बता दें कि कल से बूस्टर डोज लगने की शुरुआत हो जाएगी, ऑनलाइन आवेदन के लिए आज से शुरू कर दी गई है प्रक्रिया, और कल से फ्रंटलाइन वर्कर और जो इलेक्शन कमीशन में जो उनके इस बार उनके पदाधिकारी कर्मचारी चुनाव में चुनाव की तैयारियों में लगे हैं, उन्हें भी बूस्टर डोज दिया जाएगा। विभांशु, अगर बात करें बच्चों के वैक्सीनेशन की, तो 3 तारीख से ही वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, अब तक कितने बच्चों को वैक्सीन लग गई है? जी, अगर सरकार की बात करें तो सरकार ने जो आंकड़ा तय किया था उसमें 30 लाख बच्चों को प्रतिदिन वैक्सीन लगना था, मगर अब तक उस आंकड़े को छू नहीं पाया है। तो हम कह सकते हैं कि मकर संक्रांति की जो छुट्टियां हैं तब तक बच्चों की वैक्सीन की जो प्रक्रिया है, जो लगाने की उनको लगाने के लिए केंद्र बनाए गए हैं, तब तक ये लगाए जाएंगे, और स्कूलों में भी और साथ ही साथ जो गाँव के भी स्कूल है उसमें भी प्राथमिक जो विद्यालय है उनमें भी व्यवस्था की गई है कि वैक्सीन जो गांव के बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों पर रहे वो भी वैक्सीन से वैक्सीन उनको भी मिल पाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु जुड़े थे। तो कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और कोरोना के बढ़ते मामले अब लोगों की चिंता भी बढ़ा रहे हैं। जहां एक तरफ तेजी से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। जो लापरवाही हमने बीते समय में की है उसका खमियाजा अब हमें वैक्सीन लेने के बाद भी जो हम संक्रमित हो रहे हैं उसके तौर पर देखने को मिल रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैनर पोस्टर हटाए जाने लगे हैं। यहां नगर निगम के कर्मचारियों ने सड़कों के किनारे, चौराहे और नुक्कड़ों पर लगे राजनीतिक बैनर हटा दिए हैं। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर लगे भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर को नगर निगम की टीम ने हटा दिया है। इसके अलावा जिले भर में राजनीतिक पोस्टर को हटाने का अभियान शुरू किया गया है। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राजनीतिक मशीनरी निष्क्रिय कर दी गई है, इसलिए अब सरकारी मशीनरी चुनाव आयोग के प्रति जवाबदेह होगी। जिलों में अफसरों के कामकाज पर राजनीतिक हस्तक्षेप बंद हो जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो किसी भी फैसले को लेने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। किसी भी अफसर के तबादले चुनाव आयोग के आदेश के बाद ही होंगे। तो पोस्टर हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जो बदलाव है आचार संहिता के बाद, अब किसी भी फेरबदल में जो सीएम कार्यालय है उसकी हस्तक्षेप नहीं मान्य रहेगा और अब कई बदलाव देखने को मिलेंगे, जैसे कि अब तबादले नहीं हो सकते हैं और चुनाव आयोग के आदेश के बाद ही अब कोई बड़ा कदम उठा सकता है मुख्यमंत्री कार्यालय। तो इस खबर पर भी हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभाषु जुड़े हुए हैं। विभाषु, जिस तरह से आचार संहिता लागू कर दी गई है, अब इस दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना होगा राजनीतिक दलों को? जी, आपको बता दें कि 15 जनवरी तक जो भी नुक्कड़ सभाएं हैं या जो भी राजनीतिक दल के द्वारा प्रचार किया जाता है उसमें पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। किसी पोस्टर के द्वारा वोटों को पोलराइज नहीं किया जा सकता है। वहीं अब जो मुख्यमंत्री का पावर होता है उसको भी सील कर दिया गया है और चुनाव आयोग सबकी मॉनिटर करेगी, सभी राजनीतिक दलों के जो चुनावी भ्रमर है उस पर नजर रखेंगे कि क्या किसी वोटरों को पोलराइज नहीं किया जा सके, और ऐसे पोस्टर जिससे किसी राजनीतिक दल को सीधा नुकसान हो सके और चुनाव को सामान्य तरीके से निष्पक्षता से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग सभी प्रक्रिया को रख रहा है। वहीं अगर डोर टू डोर कैंपेन की बात की जाए तो बस महज पांच लोगों की संख्या में प्रत्याशी या कार्यकर्ता लोगों के घर जा सकते हैं, इससे ज्यादा संख्या अभी चुनाव आयोग के द्वारा नहीं दी गई है। और वहीं अगर बात करें तो राजनीतिक दलों को समाचार पत्रों और टीवी के माध्यम से ही प्रचार करना है, और अगर बात करें तत्काल अगर सरकार जो अभी चल रही है तो उसके द्वारा भी किसी ऐसे कदम को नहीं उठाए जा सकते हैं जिससे जो तमाम पार्टियां हैं उनको नुकसान हो पाए। चुनाव आयोग पूरे सामान्य तरीके से पूरी निगरानी करेगा, और आपको बता दें कि अब जब से चुनाव आयोग का जब चुनाव की घोषणा हो जाती है, आचार संहिता लग जाता है, तो चुनाव आयोग के जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी निगरानी में सभी जनपदों में एक अधिकारियों को कमान दे दी जाती है कि आप निगरानी रखें। अब देखना ये होगा
कि कैसे पॉलिटिकल पार्टी इन सब चीजों को, इन पैमानों को मानकर चुनाव प्रचार करती है। जी विभाषी, जिस तरह से तैयारियां देखने को मिल रही हैं चुनाव से पहले, तो क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं? जितने भी मतदाता हैं उनका जो मतदान कार्ड होता है, जिसे हम वोटर आईडी कहते हैं, क्या वो सबका बना दिया गया है? जो बूथ का निरीक्षण करना होता है और बूथ की जिम्मेदारी होती है, तो उन सब चीजों में कैसी तेजी देखने को मिल रही है? जी आपको बता दें कि मध्य के दिसंबर में चुनाव आयोग के द्वारा जो नए वोटर्स की जो सूची, उनका नाम जोड़ना था उस सूची में, उसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी और दिसंबर के आखिरी तक उसको बंद कर दिया गया था। और आपको बता दें कि इस बार सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो महिला वोटर्स की संख्या बढ़ी है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में इस बार अच्छे पैमाने पे वोटर बढ़े हैं। अब चुनाव आयोग को इन सब चीजों को देखते हुए चुनाव कराना होगा। जी अगर बात करें कोरोना की, तो कोरोना का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है, और अगर यूपी की बात करें तो अभी तक जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि बहुत से ऐसे वोटर्स हैं जो अभी वैक्सीनेट भी नहीं हुए, जिनको दोनों डोज नहीं लगी है वैक्सीन की, और ऐसे में किस तरह से काम करेगा चुनाव आयोग की दूरी भी बना के रख सके और साथ ही सही से जो लोकतंत्र का पर्व है वो पूरा हो सके। जी आपको बता दें कि इस बार इन सब चीजों को, कोरोना के प्रकोप को देखते हुए, इस बार चुनाव आयोग ने एक पहली बार प्रावधान किया है जो उत्तर प्रदेश में इम्प्लीमेंट हुआ। एक तो पहला पोस्टल बैलेट, जिसमें दिव्यांगजन और जो बुजुर्ग हैं वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से, जो अमेरिका चुनाव में, राष्ट्रपति चुनाव में जिस चुनाव पद्धति को कोरोना के बीच में अपनाया गया था, उसको जो 5 राज्यों के चुनाव है उसमें भी लाया गया है कि पोस्टल बैलेट के द्वारा जो दिव्यांगजन है, बुजुर्ग है, वोट दे सकेंगे। और वहीं अगर बात करें तो जिलाधिकारी के द्वारा जो नामांकन किया जाता है प्रत्याशियों का, जिसमें उनके साथ एक प्रस्तावक भी होते हैं, तो उन सब सुविधाओं को इस बार ऑनलाइन कर दिया गया। जिस प्रत्याशी को विधानसभा चुनाव लड़ना होगा वो इस बार अगर स्वतः चाहें तो वो इस बार ऑनलाइन नॉमिनेशन कर सकते हैं, बल्कि ऑफलाइन प्रक्रिया को भी रखी गई है, क्योंकि ऑनलाइन के साथ साथ गांवों के लिए अगर देखा जाए तो गांवों में प्रत्याशियों के पास संसाधन कम है, तो वो जिलाधिकारी के कार्यालय से भी नॉमिनेशन कर सकते हैं, मगर अगर वो चाहे तो ऑनलाइन नॉमिनेशन भी कर सकते हैं, जिसमें प्रस्तावक का पूरा डिटेल देना होता है, हैसियत, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ता है उसका पूरा हैसियत, आपराधिक जो भी रिकॉर्ड है उन सबको दर्ज किया जाता है। जी। अब इसके साथ ही चुनाव आयोग ने इस बार जो चुनाव आयोग जो चुनाव में लोगों की ड्यूटी लगेगी उन्हें भी कोरोना वॉरियर की उपाधि दी जाएगी। जी विभाषियों अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, शांति व्यवस्था की, तो इसे जो है सुचारू रूप से देखने के लिए क्या कुछ तैयारियां की जाएंगी? अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सभी बूथों पे सीसीटीवी के माध्यम से वहाँ उसकी मॉनिटरिंग जिलाधिकारी के और जो चुनाव के मुख्य निर्वाचन अधिकारी होंगे उनकी निगरानी में की जाएगी। सभी बूथों पे कैमरे लगाए जाएंगे। अगर बात करें तो हर बार की बात, अगर हर साल के हर चुनाव के अगर देखा जाए तो इस बार एक घंटे का चुनाव का जो समय सीमा है उसको बढ़ाया गया है। और वहीं अगर देखें तो इस बार बूथों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। अगर हर बार चुनाव में लगभग 1600 वोटर्स पे, एक बूथ पे 1600 वोटर होते थे, मगर इस बार उसको 1250 कर दिया गया है और बूथों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। और इस बार जो वोटर्स वोट देने जाएंगे उनको पूरी सैनिटाइज की जाएगी, टेम्परेचर मशीन से उनका तापमान जांच किया जाएगा, और अगर वो मास्क लगा के नहीं आए हैं तो उन्हें मास्क भी दिया जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा। तो पूरी तरह से चुनाव आयोग सभी नियमों का पालन करते हुए चुनाव को कराएगा। और वहीं भी विशेषज्ञों का कहना है कि मार्च तक कोरोना का जो पीक है वो खत्म भी हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु जुड़े थे। तो कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ लोकतंत्र का पर्व है और इसके बीच ही जो चुनावी तारीख का ऐलान हो गया है, तो आचार संहिता भी लग गई है, इसका पालन कराने के लिए चुनाव आयोग सख्त नजर आ रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।